नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब देने वाली हूँ और साथ में आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी, तो प्लीज वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आपके लिए आज की वीडियो भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल बटन इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी आने वाली न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक अबाउट प्रेगनेंसी को लेकर वीडियो बनाई थी इस टॉपिक पर, तो उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे आ रहे थे इंस्टाग्राम पर भी और यूट्यूब पर भी। तो आज आपके कुछ उन्हीं सवालों के मैं जवाब देने वाली हूं। और यहां पर मैंने सभी के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लिख कर रखे हुए हैं ताकि किसी का भी क्वेश्चन मुझसे छूट ना जाए और कुछ भूल ना जाऊं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि वो आपके कौन से सवाल हैं और मेरे कौन से जवाब हैं। सो गाइस, जो मैंने आपको अबाउट प्रेगनेंसी में टिप्स दिए थे, तो उनमें एक ये क्वेश्चन मुझसे बार बार पूछा जा रहा था कि क्या मैम आप बता सकते हैं कि इन रेमेडीज की कोई नुकसान है, कोई साइड इफेक्ट है। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि मैंने आपको यहां पर घरेलू नुस्खों के बारे में बताया था। घरेलू नुस्खे कभी भी नुकसान नहीं करते हमारी सेहत पर, तो आप घरेलू नुस्खे डेफिनेटली आजमा सकते हैं। तभी मैंने वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर की थी। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहती हूं, अति किसी भी चीज की बुरी होती है। कोई भी चीज एक लिमिट में ही खाई जाए तो अच्छी होती है। अब उससे किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि कच्चा पपीता हम हर रोज खा रहे हैं, पका पपीता हर रोज खा रहे हैं। देखिए, पपीता आप कच्चा खाइए या पका खाइए, लेकिन पपीते की जो तासीर होती है वो गर्म होती है। तो इसीलिए आप एक लिमिट में ही खाएं तो ज्यादा बेटर होगा। लाइक अगर आप दिन में दो बार पपीता खाते हैं तो बहुत होगा, आपको हर टाइम या हर एक घंटे में पपीता खाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा, आपको और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा लेकिन आपका पेट खराब जरूर हो जाएगा, क्योंकि पपीते की तासीर गर्म होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अगर आपने पपीता दिन में दो बार भी लिया या तीन बार भी लिया, हार्डली दो बार भी खाएंगे तो बहुत है, इससे ज्यादा आपको मात्रा में लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर हम हर रोज ये नुस्खे अपनाते हैं तो क्या हम ऐसा तो नहीं होगा कि हम माई ना बन पाए कभी। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये बस एक छोटी सी गलत फहमी है कि अगर आप इन रेमेडीज को ट्राई करती हैं तो आप कभी माँ नहीं बन पाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रेगनेंसी रोकने के कुछ टाइम तक के रोकने के लिए आपको नुस्खे बताए थे मैंने, हमेशा के लिए नहीं। तो इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसे बेझिझक होकर ट्राई कर सकते हो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था, किसी ने मुझसे पूछा था कि मैम मेरे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर नहीं आते हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूं। तो मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं तो ये कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो आप ऐसे में प्रिकॉशन जरूर लें, क्योंकि हमें कई बार ऐसा होता है, काफी बार, कि हमें खुद भी पता नहीं चलता है कि पीरियड्स जो है वो किस वजह से नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में आपका प्रिकॉशन लेना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसलिए आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें एक बार, अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, और अदरवाइज आप प्रिकॉशन जरूर लें। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन था वो ये था कि मैं मेरे पीरियड्स लेट हो रहे हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूं। तो देखिए, ये चीजें मुझसे ज्यादा बेहतर तो आप जानते हैं कि अगर आपने कोई प्रिकॉशन वगैरह नहीं लिया है तो डेफिनेटली आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा पीरियड्स लेट आते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेग्नेंट ही हो, क्योंकि काफी बार हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी पीरियड्स हमें लेट आते हैं, क्योंकि पीरियड्स कभी भी टाइम पर नहीं आते हैं। दो या तीन दिन आगे पीछे होना पीरियड्स की डेट का, वो एक लाजमी सी बात है, एक नॉर्मल सी बात है। तो उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कुछ प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लिए थे या आपके मन में कुछ भी अगर डाउट है तो आप डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें, चेकअप जरूर करवा लीजिएगा। और काफी बार ऐसा होता है कि थायराइड की वजह से भी आपकी जो पीरियड स्टेट है वो आगे पीछे हो जाती है या लेट आते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप अपने हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टेस्ट होते हैं वो एक बार जरूर करवा लीजिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। हुआ क्या था दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि अब से कुछ साल पहले मुझे एबॉर्शन कराना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम अरमान बहुत ज्यादा छोटा था और कुछ और हेल्थ इश्यूज की वजह से भी मुझे एबॉर्शन कराना पड़ा, अदरवाइज मैं नहीं करवाती। आप भी जानते हैं, कोई भी वहां कुछ नहीं होती है, एबॉर्शन करवाकर कुछ प्रॉब्लम होती है तभी आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं। तो मुझे जब एबॉर्शन कराना पड़ा तो मैंने इंजेक्शन वगैरह लगवा लिए, जो भी कोर्स होता है पूरा वो मैंने किया, और मुझे लगा कि शायद इंजेक्शन की या टेबलेट की हेल्प से साफ हो जाएगा अंदर जो भी है, मतलब ऐसे ही एबॉर्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि आपका जो एक भ्रूण होता है वो एक मांस का टुकड़ा टाइप होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रही हूं यहां पर। तो वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुआ था अंदर से, और इसकी वजह से मुझे ब्लीडिंग कंटिन्यूसली हो ही जा रही थी। क्योंकि जब बीच में 10 दिन ब्लीडिंग होती थी, 2-4 दिन नहीं होती थी, तो मुझे लगा कि शायद ठीक हो गई हूं मैं, और अब बिल्कुल ठीक हो गई हूं, कुछ नहीं हुआ है अंदर मतलब। लेकिन हुआ क्या था कि ब्लीडिंग फिर कंटिन्यूसली शुरू हो जाती थी, 4-5 दिन होती थी, 2 दिन नहीं होती थी, 10 दिन होती थी, 1 दिन नहीं होती थी। इस तरीके से ये चक्र चलता रहा 1 से 2 महीने तक, और मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी, बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो फिर डॉक्टर ने एंड में मुझे सलाह दी कि आप एबॉर्शन करा लीजिए। डॉक्टर ने बहुत जल्दी ही मुझे बता दिया था एक्चुअली कि आप एबॉर्शन करा लीजिए, लेकिन मैं नहीं कराना चाहती थी, मैंने ये बेवकूफी की हुई है, तो आप ये बेवकूफी ना करें। मैं नहीं चाहती आपकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इस वजह से मैं आपको यहां पर बता रही हूं
कि कोई भी टैबलेट या इंजेक्शंस विदाउट डॉक्टर के एडवाइस के ना ले ना खाएं। और मैं आपको यहाँ पर बार बार बता रही हूँ दोस्तों कि आपने इंटीमेट होने के 3 दिन के अंदर ही इन नुस्खों को ट्राई करना है जो भी मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो क्योंकि क्या होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद इन नुस्खों का कोई फायदा नहीं होता है, और यहां पर मैं आपको सजेशन बार बार दे रही हूं कि बेटर होगा कि आप प्रिकॉशंस लें, क्योंकि ये नुस्खे इंटीमेट होने के 3 दिन के अंदर अंदर ही आपने ट्राई करने होते हैं, और जब तक करने होते हैं जब तक आपको ब्लीडिंग शुरू ना हो जाए या पीरियड्स ना आ जाए। और यहां पर ये चीज मैं आपको दोस्तों बार बार बता रही हूं कि अगर 1 महीने की प्रेगनेंसी है तो उसे रोकने के लिए या उसे पीरियड्स लाने के लिए आप इन नुस्खों को ट्राई ना करें जब तक आप डॉक्टर के सजेशंस नहीं ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि डॉक्टर आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंगली आपकी एज के अकॉर्डिंगली ही आपको कोई भी दवाई जो है वो रिकमेंड करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी से जुड़ी अगर कोई भी बात है तो आप डॉक्टर की एडवाइस जरूर लें। दोस्तों आपने पूछा था कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे पता करें, तो देखिए प्रेगनेंसी टेस्ट किट मार्केट में बहुत सारी उपलब्ध है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। अदरवाइज मैं एक बहुत जल्दी वीडियो भी लेकर आने वाली हूं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं, मैं आपको बता दूंगी। एक और क्वेश्चन दोस्तों ये भी था कि अगर पीरियड्स हो रहे हैं इंटीमेट होने के बाद तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अगर आप इंटीमेट होते हैं अपने पार्टनर के साथ और उसके बाद अगर आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको पीरियड्स हो रही हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं है। एंड में जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये था कि हमें इन नुस्खों को कब अपनाना चाहिए। देखिए मैं बता देती हूँ, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं तो ये चीजें आपने 3 दिन के अंदर ही करनी है, और ये आपने तब तक करनी है जब तक कि आपको पीरियड्स ना आ जाए। तो ये नहीं है कि जब तक पीरियड्स ना आ जाए तो आप पपीता हर रोज खा रहे हैं, हल्दी वाला पानी हर रोज पी रहे हैं, दिन में 2 या 3 बार भी ले लेंगे तो काफी होगा। इनमें से कोई भी नुस्खा अगर आप ट्राई करते हैं तो दिन में 2 या 3 बार करते हैं तो काफी होगा। लेकिन अगर आपको कोई नुस्खे से आपका पेट खराब हो रहा है, कोई नुकसान लग रहा है, तो आप उस चीज को वहीं बंद कर दीजिएगा। और अगर आप चाहें तो इसमें डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकते हैं, अगर आपको कोई नुस्खे से आराम नहीं मिल रहा है बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे, सभी क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। और अगर अभी भी कोई क्वेश्चंस आपके माइंड में है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं उन सभी का रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। और दोस्तों आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी। मैं आपसे मिलती हूँ और भी अमेजिंग सी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।